निकल, चलो भी। स्वामी, हमें साथ साथ चलना चाहिए। अंधेरे में मुझे उड़ना ठीक नहीं लग रहा है। हाँ, तुम बस डरी हुई हो। नहीं, मैं डरी हुई नहीं हूँ। दरअसल मुझे चिंता हो रही है। जो भी तुम्हें ठीक लगे, तो तुम्हें क्या लगता है ये किस लिए है? अब मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें सही रास्ते से ले जाऊंगा स्पार्कल। हाँ, चलो। ए, मेरे बड़े भाई, मुझे अकेला मत छोड़ो। मैं थोड़ा घबरा रही हूँ। अरे वहाँ क्या है? तुमने मुझे बचा लिया। तुम्हारी रोशनी की मदद से ही मैं वहाँ से बाहर निकल पाई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया स्ट्रॉबी। कोई बात नहीं, यहाँ पर मेरी रोशनी सबसे ज्यादा है। इसमें कोई शक नहीं है कि तुम्हारी रोशनी सबसे तेज है। शुक्रिया। लेकिन स्पार्कल की रोशनी तुमसे इतनी कम क्यों है स्ट्रॉबी? अच्छा स्पार्कल, अब तुम इधर देखो। तेज रोशनी होना गर्व की बात होती है। इसी से हमारे परिवार को जाना और परखा जाता है। तो तुम तो मुझे जानती हो, मैं एक बहुत ही जिम्मेदार जुगनू हूँ। स्पार्कल, क्या तुम मुझे सुन रही हो? स्पार्कल कहाँ चली गई? स्पार्कल, रोशनी के लिए शुक्रिया। यहाँ बहुत अंधेरा हो जाता है रात को। कोई बात नहीं स्पार्कल। स्पार्कल, अगली बार कहीं उड़ के जाओ तो मुझे बता कर जाना। स्ट्रॉम, तुम्हारी रोशनी काफी तेज है। क्या तुम अपनी रोशनी से मुझे घर का रास्ता दिखा सकते हो? हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। स्पार्कल, तुम मेरी मदद करो। बहुत बढ़िया। यहाँ तो कोई भी नहीं है। यहाँ तो सिर्फ अंधेरा है, तो मैं उसे कैसे ढूंढ सकता हूँ? बादल भी, तुम क्या ढूंढ रहे हो? बादल भी, जो भी तुम ढूंढ रही हो उसके लिए मैं तुम्हें रोशनी दे सकता हूँ। जरा ये देखो। अब ठीक है ना? काम बन गया, शुक्रिया स्ट्रॉब। कमाल की रोशनी है। नहीं, ये तुम्हारी रोशनी है स्ट्रॉब। ये तो बस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तुम्हारे बिना मैं इसे नहीं ढूंढ पाता। जुगनुओं की दुनिया में मेरी रोशनी की चमक सबसे ज्यादा है। जल्दी चलो, बहुत तेज बारिश हो रही है। चलो, बारिश में उड़ना खतरनाक है। ऐसा है क्या? नहीं, तुम टकरा जाओगे। क्या तुम्हें चोट लगी? ए, मैं ठीक हूँ। चलो चलते हैं, मेरे पीछे आओ। ठीक है। इस डंग बॉल को घर ले जाना। स्ट्रॉब, बहुत शुक्रिया। तुम इस इलाके के चैंपियन जुगनू को देख रहे हो, मकब्रूम। अरे कुछ अजीब लग रहा है। स्ट्रॉब, अपनी पूंछ देखो। स्ट्रॉब, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हें आराम की जरूरत है। मैक ब्रूम, वहाँ देखो। मैं डंगबॉल के साथ खाई में गिरने ही वाला था। तुमने बहुत अच्छा किया स्ट्रॉब, शुक्रिया। मुझे माफ करना स्पार्कल। कोई बात नहीं मैक ब्रूम।
ठीक है, मदद करने के लिए शुक्रिया। मेरी रोशनी को आखिर हुआ क्या है? स्ट्रॉब, रुको मेरे लिए। स्ट्रॉब, सुनो बेटा, यहाँ आओ, जरा अपनी दादी माँ की मदद करो। हाँ, रोशनी दिखाओ। बिल्कुल, जरूर मदद करूँगा। अरे अरे स्पार्कल, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, पर शायद तुम्हारे भाई की बैटरी खत्म हो गई। स्ट्रॉब, स्ट्रॉबी, सुनो, तुम्हारी रोशनी को क्या हुआ है? हाँ, मेरी रोशनी खराब हो गई है। अब तो खुश हो ना तुम? हाँ। बिल्कुल नहीं। सुनो स्ट्रॉबी, स्ट्रॉब, स्ट्रॉब, थोड़ा धीरे उड़ो ना। स्ट्रॉबी, आगे देखो, संभल कर। मुझे तुम्हारी दिलासा नहीं चाहिए, मैं बहुत मजबूत हूँ। हाँ। ए, सामने देखो। भागो यहाँ से। ओ नहीं, श्रॉबी, श्रॉबी। कोई है? कोई है? कोई तो मेरे भाई की मदद करो, हम मुश्किल में आ गए हैं, मदद करो। पार्कल, मुझे बताओ क्या हुआ? पार्कल भी श्रॉब के साथ कुछ हो गया है। निकालकर स्ट्रॉब को साफ करना होगा। मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, पहले मुझे रोशनी चाहिए। बार्टलबी, तुम जाग गए? स्ट्रॉब, स्ट्रॉब, स्ट्रॉबी, स्ट्रॉबी, तुम बिल्कुल ठीक हो गए? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर मेरी रोशनी बिल्कुल खराब हो गई है। स्ट्रॉबी, तुम्हारी रोशनी वापस आ गई है। रोशनी वापस आ गई। मुझे पता था मैं फिर चैंपियन बनूंगा। ये मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो गए। और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, तुम्हारा मनपसंद फल, ये लो। पता नहीं मैं क्या कहूँ स्पार्कल। भूल जाओ सब कुछ, तुम मेरे भाई हो, तुम वो जुगनू हो जिसकी रोशनी पूरे मार्श वालों की मदद करती है रात भर। मैं नहीं, हम दोनों स्पार्कल, हम दोनों। स्पार्कल, मैं गलत था, मुझे तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। तो बस याद रखना, तुम सबसे अच्छी हो और ये कभी मत भूलना। स्ट्रॉबी, हम दोनों ने वही किया जो हमने चाहा। क्या हुआ स्पार्कल? मेरी रोशनी, तुम्हें लगता है ये चमकदार है? मुझे नहीं लगता। वैसे स्पार्कल, मैं जानता हूँ क्या करना है। ये तो तेज हो गई है। इससे तुम रोशनी को फोकस कर सकती हो जब जब तुम चाहो प्यारी स्पार्कल। स्पार्कल, तुम्हारी रोशनी बहुत तेज है। वाह, मेरी रोशनी बहुत तेज है। ये तो कमाल हो गया, चलो स्ट्रॉबी, चलते हैं। हे, मेरे लिए रुको। जानते हैं कि जुगनों के पेट के नीचे स्पेशल एंजाइम्स होते हैं जो हवा के साथ मिलकर रोशनी पैदा करते हैं। स्ट्रॉब कीचड़ में ढक गया था और उसका हवा से संपर्क टूट गया था, इसीलिए उसकी चमक खत्म हो गई थी। बेचारा स्ट्रॉब। तो अगले एपिसोड में हम जानेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, और ये देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए अगले एपिसोड में। ठीक है दोस्तों।